जैसे अब किसी ने 10 लोगों का लिस्ट बनाया और उसके 9 लोग ना बोल रहे, तो उसके पास जीने का कोई वजह बचा? कोई वजह बचा जीने का? उसके तो वो हाल हो गए ना, दिल के अरमासों में बह गए हम, बफा करके भी तन्हा रह गए। यस और नो? क्योंकि उसके पास था ही 10 आदमी, 9 मना बोल दिया, उसकी दुनिया लुट गई। लेकिन एक आदमी है उसके पास 500 लोगों का लिस्ट तैयार है और उसको 20 ना बोल दिया, उसके चेहरे पे सिकन आएगा? पता है क्यों? अभी तो 480 बाकी है, उसका 50 ना बोल दे उसके चेहरे पे सिकन आएगा? अभी तो बहुत आदमी मेरा बाकी है, उसका 100 ना बोल दे उसके चेहरे पे सिकन आएगा? क्योंकि 100 ना बोलने के बाद भी अभी 400 लोग और बचा हुआ है उसका। बात समझ रहे? इस इंडस्ट्री के भीतर लोग आपको ना बोल रहे हैं, इस वजह से कोई छोड़ के नहीं जाता। उसके लिस्ट इतने छोटे बने होते हैं ना कि वो हार मान लेता है। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा काम करना है तो आपको लिस्ट बड़े बनाने पड़ेंगे, और लिस्ट इस बिजनेस में एक मजबूत नींव की तरह है। अगर नींव मजबूत है तो 25 मंजिल का इमारत भी टिका रहता है, और नींव कमजोर है तो 2 मंजिल भी ढह जाता है। यस और नो? इस इंडस्ट्री में लिस्ट नींव है, और लिस्ट तो हर जगह चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, हम अपने घर में शादी करते हैं तो लिस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिना लिस्ट का शादी होता है किसी के घर में? एंगेजमेंट, बर्थडे करते हैं तो, हवन पूजा पाठ करते हैं तो भी लिस्ट बनाते हैं। यस और नो? कि हाँ जी, कितने लोगों को गांव में बोलना है, किसको कहना है, कौन रिश्तेदार को छूट ना जाए, एक एक का लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बना के फिर परिवार वाले को दिखाते भी है, देखो इतना का बना दिए, कोई छूट रहा है तो बताओ। यस और नो? बिना लिस्ट बनाए हम बर्थडे नहीं करते, बिना लिस्ट बनाए हम शादी नहीं करते, बिना लिस्ट बनाए हम पूजा पाठ हवन नहीं करते। अरे मैं तो कहूं, आदमी जब चला जाता है ना तब भी लिस्ट बनता है कि किसको किसको बुलाना है भाई, किसको किसको फोन। देखो उड़ीसा वाली मौसी को फोन हुआ कि नहीं? देखो राहुल कला वाला फुफा जी बचे तो नहीं रह गए अभी तक, फोन हुआ कि नहीं उनको? लोग रो भी रहा होता है और साथ में पूछ भी रहा, अरे चाचा को बोला कि नहीं? फिर रो रहा है, अरे वो फुआ को बताया कि नहीं? यस और नो? सब जगह बनता है। तो फिर क्यों जिद है? सेठ तो बिना लिस्ट का करेंगे। हाँ, यहां लिस्ट नहीं चाहिए, और यहां जो लिस्ट बनाएगा, लिस्ट बढ़ाता रहेगा, उसके जीवन में कभी भी बुढ़ापा, कभी भी टेंशन, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। कहते हैं लिस्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कोई अगर मुझसे पूछे तो मेरा जवाब है, आपका ड्रीम जितना बड़ा है लिस्ट उतना बड़ा प्रोस्पेक्ट का बनाना है। सही है? अगर ड्रीम साइकिल वाला है तो 10-20 को लिस्ट बनाइए, काम हो जाएगा। ड्रीम मोटरसाइकिल का है, वो भी बढ़िया वाला हयाबूसा 4 लाख का, तो लिस्ट 500,000 का बनाइए। और ड्रीम है नहीं भैया रेंज रोवर बेलार, तो लिस्ट कभी बंद ही नहीं होना चाहिए, बनाते रहना चाहिए जीवन भर। यस और नो? आपके ड्रीम के लिस्ट जैसे है, प्रोस्पेक्ट का लिस्ट उतना बड़ा आपके पास होना चाहिए। लेकिन आपको बहुत सारे लोग ऐसे सेल्स में आते हैं जो ज्वाइन करते हैं, नए होते हैं, अपलाइन का बात बन के 10-20 लोगों का लिस्ट बना लेते हैं, 5-10 की टीम बन जाती है, उसके बाद वो चाहे किसी लेवल पे पहुंच गए, दोबारा वो लिस्ट का डायरी पलट के लिस्ट नहीं बनाते, कहते हो गया, अब जो टीम है उसी में लगे रहते हैं। बात समझ रहे हैं? और उनके लिस्ट को कोई और ज्वाइन करा रहा होता है, इसलिए लिस्ट कभी बनाना बंद नहीं। कहा यह जाता है कि 1 घंटा रोज अपने लिस्ट के डायरी को अपडेट करना चाहिए इंसान को, रोज, कि आज कौन 4 नाम बढ़ा सकते हैं, इसमें कौन 2 नाम बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या है, हम सामाजिक आदमी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम रोज किसी ना किसी नए आदमी से मिलते हैं, हम क्यों नहीं उसको प्लान दे सकते हैं? आप बताइए हमको, क्या बोलेगा वो? ना बिग बास्केट वाले को क्या बोल रहे हैं लोग? वो प्लान देना बंद कर रहा है क्या? हम क्यों कर दे? तो लिस्ट बनाते रहना चाहिए। कितने लोग वादा करते हैं आज के बाद लिस्ट बनाना नहीं बंद करेंगे,